Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham College. In last lecture, we studied about the general will, right? We were studying about the theory of general will. See, the state according to Rosello, which is created through the social contract, is not an arbitrary state. It is established to maintain an atmosphere in which individuals can enjoy their liberty in the best possible way. It has to work through a general will. The general will is no abstract idea. Then we saw some nature of general will. अपन ने general will के कुछ nature वगैरह भी देखा है. See, characteristic of general will are as follow. Definition of general will. Rosello was of the opinion that men grew sick of the anarchies. विच वर्ड अभी मैन क्या थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई इसलिए क्या हो गया, सोसाइटी पूरी खराब हो गई, राइट. इसी के लिए वी केम अप विद द थॉट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंक्लूडेड बाय अ पैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल. अभी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इट वॉज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी. कम्युनिटी में क्या था, जिधर इंडिविजुअल रहते थे एंड दे फॉर्म्ड अ सोसाइटी. अभी इंडिविजुअल्स को क्या करना था, उनके राइट्स एंड पावर्स क्या है कम्युनिटी को देने थे, और जनरल विल के मुताबिक दे विल लुक आफ्टर एवरी इंडिविजुअल. नाउ विल लुक एट द एक्चुअल विल एंड द रियल विल. एक्चुअल विल क्या थी और रियल विल क्या थी, इन दोनों का डिफरेंशिएट अपन ने देखा था, राइट. सी, एक्चुअल विल क्या है, ये सेल्फिश है. मतलब यहाँ पर सिर्फ अकेले इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं, अकेले इंडिविजुअल के बारे में अच्छा बुरा, सिर्फ अकेले इंडिविजुअल का फ़ायदा देखा जाता है, राइट. इट कंसीव ऑफ द इंडिविजुअल अलोन, और वो पूरे सोसाइटी को नहीं देखता. इट इज़ नॉट कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मतलब पूरी सोसाइटी के भलाई के बारे में नहीं सोचने का, सिर्फ खुद के अकेले के बारे में सोचना था. और रियल विल में क्या है, रियल विल ये कुछ तो बड़ा कंसेप्ट है, सुप्रीम कंसेप्ट है. एंड इसमें क्या था, यहाँ पे सिर्फ एक अकेले इंडिविजुअल के बारे में ना सोचते हुए यहाँ पे अपन एक पूरी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं. सो रियल विल वॉज परमानेंट, राइट. इट डिड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बट आल्सो इट्स परमानेंट एस्पेक्ट. रियल विल वॉज बेस्ड ऑन रीजन एंड क्राइटिज्म. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, रियल विल एंड जनरल विल. अकॉर्डिंग टू रसेलो, general will was the sum total of all the real will of the individual which were based on reason and farsightedness of the individual. It was will of all the individuals for collective welfare. See, it was will of all the individuals. ये क्या थी, ये will था पूरे individual का for collective welfare. The public person so formed by the union of all other person is called by its member state when passive, so with when active. See, nobler than real will. According to Rosello, general will was not the sum total of good and bad. See, यहाँ पे Rosello क्या बोल रहा है, ये जो general will है it is not the sum total of good and bad, not even the method of plus and minus, but उससे अलग है. It was the product of deliberation, discussion and consciousness. General will is concerned with general good, but it might be the will of the majority of the member of the society. See, everybody free in general will, right? अभी ये जो Rosello क्या believe करता है, general will में कोई किसी का नौकर नहीं है, ना ही कोई किसी का subordinate है. Everyone is freer. हर किसी को एक दूसरे का ध्यान रखना है और सब कुछ अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है. देन जनरल विल एंड विल ऑफ ऑल. Rosello ट्राई टू, अब जनरल विल एंड विल ऑफ ऑल में क्या है, जनरल विल में क्या देखते हैं अपन, पूरे कम्युनिटी के बारे में अच्छा सोचते हैं. वेयर इज विल ऑफ ऑल वॉज क्या है, यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी विल के बारे में देखते हैं और जो मेजोरिटी है उसके बारे में देखते हैं और उसके हिसाब से अपन वेलफेयर सबका भला करते हैं. द विल ऑफ ऑल could become general will of peculiar interest. See, the will of all ये क्या बन सकता है, general will of peculiar interest which have selfish ends.
जहाँ पे क्या है, सेल्फिश एंड है एंड आर टेकन अवे फ्रॉम इट. सी नाउ विल मूव विल लुक एट द साइलेंट फीचर्स ऑफ जनरल विल. जनरल विल हैज़ द फॉलोइंग पेक्युलर फीचर्स अकॉर्डिंग टू रोसेलो. सी रोसेलो के हिसाब से कुछ उसके साइलेंट फीचर्स हैं, वो क्या है, विल लुक एट. फर्स्ट इज द यूनिटी. जनरल विल इज रैशनल. सी यूनिटी देखना जाए तो क्या है, जनरल विल इज रैशनल. इट इज़ नॉट सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी. सी ये जो जनरल विल क्या है, ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है. इट दस gives unity in the sense that it is indivisible because once divided it cannot be called general will but only sectional will. See ab ye kya hai, it gives the unity in sense, right? Yahan pe ek unity ka ek feeling aata hai that is individualism, because agar kuch divide hota hai to wo general will nahi kehla jata, it will be a sectional will. But yahan pe kuch divide hota hai kya? एज पर जनरल विल नथिंग इज डिवाइडेड. सबकी मेजोरिटी देख के सबके हित में ही अपन सब कुछ काम करते हैं यहाँ पे. देन मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पॉइंट, परमानेंट. एज जनरल विल इज बेस्ड ऑन रीजन विजडम एंड एक्सपीरियंस एंड थाट अबाउट द गुड ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट टू डू अवे विद द टाइम बट इज परमानेंट. सी एज जनरल विल इज बेस्ड ऑन रीजन. सी जनरल विल कैसा है, इट इज़ बेस्ड ऑन रीजन विजडम एंड एक्सपीरियंसेस. बराबर है, जनरल विल ऐसी है क्या, नहीं, कुछ रीजन्स है, कुछ विजडम्स है, कुछ एक्सपीरियंस है, थॉट्स है, और सब ये सबकी भलाई देख के ये जनरल विल आई है. सो इट इज़ नॉट टू डू अवे विद द टाइम बट इज परमानेंट. से अभी ये टाइम के साथ बदल तो नहीं सकती बट इट इज़ अ परमानेंट, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड. से अपन जनरल विल बदल नहीं सकते. इट इज़ प्योर. जनरल विल क्या है, एकदम प्योर है, कोई कुछ बदल नहीं सकता है इसमें. इवन दो इट मे बी डोमिनेटेड बाय अदर विल्स फॉर सम टाइम, येट इन द अल्टीमेट एनालिसिस दिस विल डोमिनेट. सी इवन दो क्या है, इट मे बी डोमिनेटेड. सी भले कुछ अलग विल्स है उससे डोमिनेट कर सकते थे बट क्या है, इट इज़ अल्टीमेट एनालिसिस दिस विल डोमिनेट. बट बहुत ज़्यादा दूसरा एनालिसिस डोमिनेट ये कर देगा जनरल विल. नेक्स्ट पॉइंट इज द राइट विल. इट इज विल विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन नॉट ओनली द पॉलिटिकल एंड सोशल बट ऑल्सो मॉरल कंडीशन. सी अब राइट विल क्या है, इट इज़ अ विल विच टेक्स इंटू कंसिडरेशन. राइट विल क्या है, ये एक विल है विच टेक्स इंटू कंसिडरेशन नॉट ओनली द पॉलिटिकल एंड सोशल बट ऑल्सो मॉरल कंडीशन. एज सच इट इज राइट विल बेस्ड ऑन राइट रीजनिंग एंड परसेप्शन. इट इज विल विच टेक्स इंटू कंसिडरेशन नॉट ओनली द पॉलिटिकल एंड सोशल. सी यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस की बात नहीं करते हैं बट अपन मॉरल कंडीशंस को भी बात कर रहे हैं, लाइक मॉरल कंडीशंस को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया है. एज सच इट इज़ द राइट विच बेस्ड ऑन राइट रीजनिंग एंड परसेप्शन. सी एज सच क्या है, इट इज़ राइट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन रीजनिंग एंड परसेप्शन. अनअलाइनेबल. रोजेलुस सोवेद इज जनरल विल एंड नॉट एन ह्यूमन बींग. रोसेलुस सोवेद क्या है, इज जनरल विल एंड ये ह्यूमन बींग नहीं है. द सोवेद कैनॉट गिव अप द सोवेद नेटिव. सी अब ये जो सोवेद है, व्हाट हैपेंस इज इट कैनॉट गिव द सोवेद नेटिव. ही कैनॉट पास दैट ऑन टू एनी अदर इंडिविजुअल बिकॉज सोवेद नेटिव वॉज वेस्टेड इन द कम्युनिटी एज अ होल. सी ही कैनॉट पास दैट ऑन टू एनी अदर इंडिविजुअल. ये किसी दूसरे इंडिविजुअल को आप पास नहीं कर सकते बिकॉज सोवेत वॉज वेस्टेड इन द कम्युनिटी एज अ होल. क्योंकि ये क्या था, ये अपने कम्युनिटी में था अच्छे से, राइट. कम्युनिटी कुड नॉट पास ऑन द सोवेत अथॉरिटी टू एनी अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन.
बट टू द सेंट्रल बिल्डिंग। यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी कुड नॉट पास ऑन द सोवियत अथॉरिटी। कम्युनिटी यहाँ पे सोवियत अथॉरिटी किसी और को, किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पास कर सकती, बट टू द जनरल विल। दस सोवियत एंड जनरल विल आर इनसेपरेबल एंड हैंस इन अलाइनेबल। तो क्या है, यहाँ पे सोवियत नीति और ये जनरल विल दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकती और दोनों एक दूसरे के साथ ही चलना पड़ता है। फॉर रेसोल्यूस अलाइन एलिनेटिंग जनरल विल इज जस्ट किलिंग इट। सी, और रोसेलू के लिए क्या है, एलिनेटिंग मतलब दोनों को अलग करना क्या है, इट जस्ट लाइक जनरल विल को अपन किल कर रहे हैं ना। अनरिप्रेजेंटेटिव, अकॉर्डिंग टू रोसेलू पीपल हैव नो राइट टू डेलीगेट द अथॉरिटी और रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ बाय एनीबॉडी एल्स। सी, अकॉर्डिंग टू रोसेलू क्या है, पीपल को कोई हक नहीं बनता कि वो अपनी अथॉरिटी या रिप्रेजेंटेटिव किसी और को दे। ही बिलीव्ड इन थ्योरी ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी थ्रू जनरल विल। रोसेलू क्या बोलता है कि पापा, अब आपके जो हक है, आपकी जिस पे अथॉरिटी है, वो आप किसी और को क्यों दोगे। हाँ, उससे बेटर रोसेलू क्या बोलता है कि पापा, अपन ये डेमोक्रेसी लाते हैं ना जो जनरल विल के मुताबिक चलेगी। जनरल विल के मुताबिक यानी क्या, अपन मेजॉरिटी देखते हैं, सबका भला देखते हैं और सबके अकॉर्डिंग विल डू ऑल द थिंग्स, राइट। सो ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी थ्रू जनरल विल। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द रैशनल। रोसेलू बेस्ड हिज थ्योरी ऑफ जनरल विल ऑन रैशनलिज्म। रोसेलू व्हाट ही डिड, रोसेलू बेस्ड हिज थ्योरी ऑफ जनरल विल ऑन रैशनलिज्म एंड नॉट ऑन फोर्स, राइट, और किसी फोर्स पे नहीं थे। फॉर हिम विल इज नॉट फोर्स बट द वेरी बेसिक ऑफ सस्टेनिंग स्टेट। से फॉर हिम क्या है, विल एक फोर्स नहीं है बट द वेरी बेसिक ऑफ सस्टेनिंग स्टेट। डिसइंटरेस्टेड, अकॉर्डिंग टू रसेलू जनरल विल इज डिसइंटरेस्टेड बिकॉज इट इज नॉट कंसर्न विद द इंडिविजुअल बट विद द कम्युनिटी एज अ होल। अकॉर्डिंग टू रसेलू क्या है, जनरल विल इज डिसइंटरेस्टेड। जनरल विल क्या है, डिसइंटरेस्टेड बिकॉज इट इज, ये किसी इंडिविजुअल से कंसर्न नहीं है बट विद द कम्युनिटी एज अ होल, राइट। जनरल विल क्या है, किसी एक इंडिविजुअल पर बनी है क्या, नहीं। किसी एक इंडिविजुअल का अच्छा बुरा सोच रही है क्या, नहीं, बट वो पूरे कम्युनिटी का अच्छा बुरा सोच रही है। सॉरी, इट इज डिसइंटरेस्टेड बिकॉज इट प्रमोट्स पब्लिक स्पिरिटनेस। अब यहाँ पे क्या है, लोगों में एक भावना आती है, एक फीलिंग आती है कि नहीं बाबा, अपन भी साथ दें, अपन भी सारे काम अच्छे से करें। दस जनरल विल इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी बट लुक इनटू कंसिडरेशन विल ऑफ सोसाइटी एज अ होल। सी, जनरल विल क्या है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए वगैरह काम करता है क्या, नहीं। ये पूरी सोसाइटी की भलाई के लिए काम करता है, पूरी सोसाइटी के अच्छे के लिए काम करता है। लाइक इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द होल ऑफ द सोसाइटी एज अ, राइट, पूरी सोसाइटी को कंसिडर करता है। रोसेलू हाउएवर मेड इट क्लियर दैट परफेक्ट अनएनिमिटी कैन नॉट बी अचीव्ड एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आर बाउंड टू एग्जिट। सी, रोसेलू हाउएवर मेड इट क्लियर, रोसेलू ने क्या किया, ये क्लियर किया दैट परफेक्ट अनएनिमिटी, लाइक अगर परफेक्ट अनएनिमिटी चाहिए, इट कैन नॉट बी अचीव्ड, राइट, ये अचीव नहीं कर सकते एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आर बाउंड टू एग्जिट। और ये सब के अलग अलग थॉट है तो अपन क्या है, वो अचीव नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या होता है, फिर सबके अलग अलग ओपिनियन भी आना शुरू हो जाते हैं। जनरल विल इज अ कॉरपोरेट विल फंक्शनिंग थ्रू पीपल एज अ होल। सी, जनरल विल क्या है, इज अ कॉरपोरेट विल फंक्शनिंग थ्रू पीपल एज अ होल। ये क्या है, कॉरपोरेट विल है और सब लोगों के हिसाब से काम करती है, सब लोग खुश रहे, सबकी भलाई के हिसाब से काम करती है। देन अनएनफोर्सेबल, जनरल विल इज नॉट एग्जीक्यूटिव सिंस जनरल विल इज इम्पर्सनल इट कैन नॉट बी लोडेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनफोर्सिंग लॉ। सी, जनरल विल इज नॉट एग्जीक्यूटिव
जनरल विल क्या है, ये एग्जीक्यूटिव नहीं है, सिंस क्या है, जनरल विल इज़ इम्पर्सनल. जनरल विल क्या है, ये इम्पर्सनल है एंड इट कैन नॉट बी लोडेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनफोर्सिंग लॉ. और ये क्या है, इट कैन नॉट बी लोडेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनफोर्सिंग लॉ. इट इज़ सो विथ इन नेचर एंड कैरेक्टर. सी ये क्या है, इट इज़ सो विथ इन नेचर एंड कैरेक्टर. एज सच गवर्नमेंट इज ओनली एन एजेंसी ऑफ जनरल विल. और गवर्नमेंट क्या है, ये एक एजेंसी के जैसे काम करती है जनरल विल के लिए, राइट. जनरल विल कैन नॉट बी एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव बॉडी. सी जनरल विल एग्जीक्यूटिव का काम नहीं कर सकती, ना ही लेजिस्लेटिव बॉडी का काम कर सकती है, राइट. देन अभी ये थे फीचर्स ऑफ द जनरल विल, ठीक है. नाउ अभी अच्छी बातें हैं तो बुरी बातें भी बट ऑब्वियसली रहेगी. जैसे हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं, राइट. एक अच्छा एक बुरा रहता है. हर सोच भी, हर चीज़ के देखने का नज़रिया भी अपना दो तरीका रहता है. कोई एक ही चीज़ को हर अलग अलग नज़रिए से देखता है, कोई अच्छा भी देखता है तो कोई बुरा भी देखता है. उसी तरह जनरल विल के कुछ ड्रॉबैक्स भी है. थ्योरी ऑफ जनरल विल एज एक्सपाउंडेड बाय रोसेलू हैज़ बिन पुट टू सेवरल क्राइटिसम्स. रोसेलू ने जो ये जनरल विल थ्योरी बनाई है उसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी है, बहुत से क्राइटिज्म भी है. कन्फ्यूज्ड थ्योरी ऑफ जनरल विल इज़ कन्फ्यूज्ड. अब ये जो थ्योरी ऑफ जनरल विल है ये क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है. इट बॉइल्स डाउन द स्ट्राइकिंग द बैलेंस ऑफ रियल विल एंड एक्चुअल विल. सी अभी ये जो रियल विल एंड एक्चुअल विल है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कमी नहीं कर पाते हैं. वो ये गैप कमी नहीं हो रहा है, गैप कैसे फील करना है ये भी नहीं पता है. अभी एक्चुअल विल क्या है, इसके अंदर अपन सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं. और नहीं, रियल विल में क्या, रियल विल और एक्चुअल विल अपन ने देखा था, राइट. राइट, एक्चुअल विल क्या है, यहाँ पर सिर्फ अपन एक अकेला इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं, सिर्फ उसका इंटरेस्ट देखते हैं. और रियल विल में क्या करते हैं, अपन सारी सोसाइटी का देखते हैं. बट ये जो गैप है, ये जो बैलेंस होना चाहिए प्रॉपरली, ये नहीं हो रहा है. इट ट्राइज टू गिव इट एन अरिथमेटिकल टच. अब उसको वो एक अरिथमेटिकल टच देने की ट्राई कर रहे हैं. इवन इफ रोसेलोज नोशन इज एक्सेप्टेड, जनरल विल इज अ डायनामिक प्रोसेस एंड नॉट अरिथमेटिकल वन. सी इवन अगर रोसेलो का अपन सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे तो भी क्या है, जनरल विल इज़ अ डायनामिक प्रोसेस. जनरल विल क्या है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है एंड नॉट अरिथमेटिकल वन. अभी रोसेलो ने क्या हुआ, रोसेलो उसने अरिथमेटिक टच देने की ट्राई की, बट इसको अरिथमेटिक टच देना ये गलत बात है, क्योंकि जनरल विल क्या है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है. नो डिफरेंस इन जनरल विल एंड विल ऑफ ऑल. यहाँ पे एक्चुअली कोई डिफरेंस ही नहीं रखा उसने जनरल विल एंड विल ऑफ ऑल में. रोसेलो हैज़ ट्राइड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जनरल विल एंड विल ऑफ ऑल, विच इज़ प्रैक्टिकली इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव. सी जनरल विल में क्या देखते हैं, अपन सबका इंटरेस्ट देखते हैं, सबके बारे में ही सोचते हैं. और विल ऑफ ऑल में क्या बोलता है रोसेलो, विल ऑफ ऑल में क्या है, अपन सब कुछ मेजोरिटी के हिसाब से देख जाते हैं. उन्होंने थोड़ा डिस्टिंग्विश करना ट्राई किया है, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल है क्या, इट इज़ इम्पॉसिबल. कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश करना इम्पॉसिबल है, राइट. देन यूनानिमस एंड नॉट मेजोरिटी विल. रोसेलोस कंसेप्शन ऑफ जनरल विल इज़ मोर और लेस अ यूनानिमस विल एंड नॉट अ मेजोरिटी विल. अब ये जो रोसेलोस का कंसेप्शन ऑफ जनरल विल क्या है, ये मोर और लेस क्या है, अनयूनानिमस विल है. सही विल है क्या, नहीं, अनयूनानिमस है एंड नॉट अ मेजोरिटी विल. और ये मेजोरिटी विल के हिसाब से नहीं चलता. यूनानिमस विल एंड डिसीजंस आर पॉसिबल ओनली इन द एनिमल एंड नॉट इन द ह्यूमन सोसाइटी. सबका अनयूनानिमस विल एंड डिसीजन पॉसिबल ओनली इन एनिमल्स, ये सब एनिमल्स में ही होता है. ह्यूमन सोसाइटी में सब हर कोई एक चीज़ पे ही मानना, एक हिसाब से ही करना, ये ह्यूमन सोसाइटी में नहीं पॉसिबल है.
it is not possible in the human society. Then moving towards the next point, bills cannot be divided. Rosselló has divided the will of an individual into integral part, namely essential and non-essential will. Rosselló ने क्या किया है, उसने will of an individual, ये जो will है उसने दो इसमें divide किया है, right? एक तो will of an individual that is into integral part, namely essential and non-essential will. See, दो इसमें divide किया है, first is the essential and second is the non-essential will. According to him, essential will is rational and representative sum total of essential will. See, according to Rosselló क्या है, essential will जो है is rational और ये represent करती है sum total of essential will. However, individuals and their wills are corporate. See, फिर भी क्या बोलता है, individuals और उनके will क्या है, corporate है. It is impossible to distinguish and divide the will. See, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे genuinely impossible है कि आप दोनों will के बारे में distinguish करो और divide the will, और ये will divide करो. Essential, non-essential will, इसमें आप divide बहुत ज़्यादा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. It is an impossible to distinguish and ये will divide करना भी impossible है यहाँ पे. Then moving towards the next point, no consolation of general will and justice. Rosselló believes that general will is one which coincides with justice, but by this criteria he creates more confusion. See, Rosselló क्या करता है, Rosselló believes that general will is one which coincide with justice. General will क्या है, ये general will क्या है, ये justice के साथ coincide करता है, like justice के जैसा दिखता है, justice के जैसा है. But by this criteria he creates more confusion. But अगर वो justice के जैसा चल रहा है काम, justice के जैसे ही सब कुछ हो रहा है, तो क्या है, लोगों के मन में तो but obviously confusion आएगा ही ना. Justice is an equally abstract conception and reconciling the two is not only impossible but undesirable. See, justice क्या है, is an equally abstract, justice it is equally abstract conception and reconciling the two is not only impossible but undesirable. See, but दोनों को ध्यान देने के ऊपर ये impossible है और unbelievable है. General will cannot be reconciled with freedom. According to Rosselló, whosoever refuses to obey the general will be made to obey it and thus set free. See, अभी Rosselló के हिसाब से क्या है, हर किसी ने ये general will को obey करना चाहिए, जो भी obey नहीं करता है वो फिर उसका देखे. By setting free, this way is it the another word to use force for obeying command? See, नहीं तो फिर तुम्हारा देखो ऐसे बोल दिया तो हो जाता है क्या, ये सही तरीका है क्या, मतलब वो इंसान ने मैं मेरा देखूँ ये बोलने का मतलब क्या है, मतलब एनीवे एट लास्ट क्या करेगा, वो आके आपकी बात सुन ही लेगा. एट लास्ट ही इज फोर्स्ड टू ओबे योर कमांड, राइट. Rosselló हैज ट्राइड टू रिकंसोल इंडिविजुअल फ्रीडम विद द अथॉरिटी ऑफ द जनरल विल और फ्रीडम विद फोर्स, बट हैज फेल्ड टू डू सो. सी, Rosselló ने बहुत ट्राई किया टू रिकंसेंट इंडिविजुअल फ्रीडम, लाइक इंडिविजुअल फ्रीडम का ध्यान रखें, प्रॉपर अथॉरिटी, जनरल विल और फ्रीडम, ये सब फोर्सफुली ना करें, बट क्या है, ही फेल्ड टू डू, मतलब वो ऐसा नहीं कर पाए. वॉट इफ नॉट मेजोरिटी विल. Rosselló हैज रिफ्यूज्ड दिस थियोरी ऑफ जनरल विल टू नो थिंग लेस, नथिंग लेस, when he says that general will is not majority will. If it is not majority will, then what is it? See, Rosselló has reduced his theory of general will to nothing else, right? उसमें वो क्या बोल रहा है, general will अगर majority के हिसाब से नहीं है, then majority will, then what it is? अगर majority के हिसाब से नहीं है तो फिर क्या है ये general will?
अपन जनरल विल सब कुछ मेजोरिटी के हिसाब से बोल रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप मेजोरिटी नहीं बात कर रहे हो, मेजोरिटी के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है? तो क्या करना चाहिए? विल वाइंड अप अवर लेक्चर हियर, मीन वेल रीड द टॉपिक वेल, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल आई डी, माई मेल आई डी इज rasika.pagaria@aram.edu.in. Thank you.